देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। कुएं में गिरी कार, ससुर और दो दामादों की मौत। देवास कुएं में गिरी कार, ससुर और दो दामाद की मौत। देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, तीन सब निकाले गए। रस्सी से कार खींचने के दौरान टूटी रस्सी। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौके पर पहुंचे। घटना सोनकच्छ क्षेत्र के ग्राम पोलाय की है। रेस्क्यू के दौरान एक ग्रामीण भी गिरा कुएं में, हुआ घायल। सोनकच्छ क्षेत्र में बाबई पोलाय मार्ग पर सोमवार की शाम एक कार बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। कार में सवार ससुर और दो दामादों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की भारी अमला वहां मौजूद था और फिर भी कार कुएं से निकालने के पहले मृतकों के शव निकालने पर प्रशासन करीब 5 घंटे तक लग गए और सोमवार की देर रात तक राहत कार्य चलता रहा। इसी दौरान एक ग्रामीण भी कुएं में गिरकर घायल हो गया। बताया जाता है कि घटना होने की वजह से कार की तेज रफ्तार थी और रास्ते में अचानक मोड़ आने से कार चालक का कार पर से नियंत्रण हट गया था और कार सीधे खेत में उतरते हुए कुएं में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर भारी भीड़ लग गई। शाम करीब 7 बजे देवास पुलिस क्रेन लेकर पहुंची, जिससे रस्सा बांधकर कार को बाहर खींचने का प्रयास किया गया, किंतु करीब 30 फीट गहरे कुएं के बाद रस्सा टूट गया और कार को दोबारा कुएं में जा गिरी। बड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका। एक शव कार में फंसा हुआ था और उसके बाद एक एक कर दो शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया था। मृतकों में दरियाब सिंह मालवीय, जो सोनकच्छ के रहने वाले हैं लेकिन पिछले कई सालों से गुजरात में रह रहे हैं, अपने भतीजे की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात से यहां आए थे। उनके साथ उनके दोनों दामाद आशीष कौशल और नवीन मालवीय साथ में थे। इन देवास से संवाददाता हमारे जीवन पंचाल, जैसी नगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जैसी नगर पुलिस ने CISFFTA टीम के साथ फ्लैग मार्च, दिया शांति का संदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसकी जानकारी जैसी नगर पुलिस ने प्रशिक्षित थाना प्रभारी और उप पुलिस अधीक्षक पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में CISFTA टीम के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति का संदेश दिया। फ्लैग मार्च शुरू होते ही चौक बाजार से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया और मीडिया से बात करते हुए थाना प्रभारी पीयूष मिश्रा ने बताया कि फ्लैग मार्च थाना क्षेत्र के संवेदनशील गांव ओरिया, अगरिया, बासा, पड़रईस, सरखंडी, सत्ताढाना, सहमाढाना, सैमरा, सोठिया, जिनके माध्यम से होने वाले शांति का संदेश दिया गया। इसके अलावा श्री मिश्रा ने बताया कि थाना लोकसभा चुनाव निकाला गया, जिसके माध्यम से हमने शांति संदेश दिया। इसके अलावा श्री मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की धरपकड़ जारी है। जैसी नगर से हमारे संवाददाता मनीराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। निर्वाचन के अंतर्गत हमारे सागर, संपूर्ण सागर जिले में एरिया डोमिनेशन चालू है, तो उसके तहत कल जैसी नगर थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन हुआ। उसमें हमने कोशिश किया है कि थाना क्षेत्र के जो मुख्य रूप से क्रिटिकल मतदान केंद्र है हमारे 22 और एक वल्नरेबल मतदान केंद्र है, वहां पर हम एरिया डोमिनेशन करके और शांति व्यवस्था की अपील कर रहे हैं। गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। सुगर मिलों की मनमानी, नहीं मिल पा रहा गन्ना किसानों को अपना ही पैसा। सुगर मिल मालिकों के सामने शासन प्रशासन हुआ नतमस्तक। रेवा खंड संगठन के प्रदेश प्रभारी आनंद श्रीवास्तव ने कहा है कि जिले की सुगर मिल तानाशाही व मनमाने तरीके से संचालित हो रही हैं। जिले के गन्ना किसानों का शोषण किया जा रहा है। अब तक उनके गन्ने का उचित मूल्य नहीं दिया गया, ना ही गन्ना मिलों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पालन कर रही है। हमारे ज्ञापन में जल्द कार्यवाही नहीं होती तो हम जन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। कोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट।